पोजीशन राइट कर लो। वेक्टर विच डिस्क्राइब्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ऐसे वेक्टर जो पोजीशन को बताए ओरिजिन के हिसाब से, जैसे ये कोई पॉइंट है और ये है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और ये ओरिजिन है, तो ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को दिखाएगा इसकी, तो ओपी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और कैसे लिखते हैं इसे, एक्स कोऑर्डिनेट को आई के संग लिख लेंगे, y कोऑर्डिनेट को g के संग लिख लेंगे और z कोऑर्डिनेट को k के संग। ये पोजीशन वेक्टर बन गया। जैसे किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कोऑर्डिनेट ये है 2, 3, 4, तो OA वेक्टर कैसे लिखेंगे, 2i + 3j + 4k। ये एक ऐसा वेक्टर है जो पोजीशन दिखा रहा है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो पोजीशन दिखाते हैं पार्टिकल की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी जो वेक्टर पोजीशन दिखाएगा पार्टिकल की उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे कोई पार्टिकल यहां पर है ए पर जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन और वो बी पे पहुंच गया जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू जेड टू, उसने डिस्प्लेसमेंट किया ए से बी, तो ए से बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ए बी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कैसे लिखेंगे, एक्स टू आई वाई टू जे और जेड टू के। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे लगेंगे, एक्स वन आई वाई वन जे और जेड वन के। माइनस कर देंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई वाई टू माइनस वाई वन जे और जेड टू माइनस जेड वन के। अगर माइनस कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इस तरीके से निकालते हैं।